हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। गाड़ी देखिए कितनी गंदी हुई हुई है। रात को आया था तूफान और हमारे घर के पास ना एक दरख्त है, उस पर सुंबल लगी हुई है। वो सुंबल जो है ना उड़ उड़ के हमारी गाड़ी के साथ चिपक गई। और अभी हमें सुबह जाना था तो इतना टाइम नहीं है कि गाड़ी जो है वो हम वॉश करा सकते, तो हमने कहा चलो वापसी पे आके वॉश कराएंगे। और इस वक्त मैं मुस्लिम टाउन के पास हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे वहां जाना है। और आज मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो निकले हैं। दोपहर के इस वक्त बज रहे हैं 3:30, लेकिन रास्ते में जाफरी साहब का घर है तो यहाँ से होते हुए मैंने जाना है। और मेरे पास भाभी की कुछ चीजें पड़ी हुई थी गिफ्ट के तौर पे, और वो चीजें जो है ना वो मैंने जनाब अभी आपको दिखाती हूँ। वो मैंने घर में उसका वीडियो बना लिया था, तो वो चीजें जो है ना मैंने रास्ते में जाफरी साहब को कहा है कि जी आप ले लें, पिक कर लें, क्योंकि काफी दिनों से मैं वो चीजें उन तक डिलीवर नहीं कर पा रही थी। और जाफरी साहब जो है वो मुझे कह रहे हैं कि घर पे आओ चाय पी के जाओ, लेकिन ये टाइम चाय पीने का लिटरली नहीं है। और नाश्ता मैंने कर लिया हुआ है, तो वैसे भी हमने जहां जाना है वहां पहुंचना है, तो अभी उनकी चीजें उनको देते हैं और फिर सारा दिन आप लोग मेरे साथ ही होंगे। मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो बनाने का। मैंने जाफरी साहब आए तो मैंने उनको चीजें दी उनकी, वो असल में जिद कर रहे थे कि घर पे आओ। मैंने घर पे जाना नहीं था क्योंकि मैं वापस को जा रही हूँ, तो मैं वीडियो बनाना भूल गई लिटरली। बहरहाल अब हम चलते हैं जी आगे। जी लाहौर का मशरूफ तरीन इलाका, इस इलाके को क्या कहते हैं जी बताएं? इकबाल टाउन। सामने देखें जनाब ऑरेंज ट्रेन, वाओ। अभी हम लोग आ गए हैं जी मोटरवे पे, ये है जी दरियाए रावी और सारा सूखा पड़ा है। मैंने आपको ना एक चीज दिखानी है जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ पर आई हूँ, ये जरा देखिए। अच्छा ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये हैं जी फ्लावर्स। और इस पौधे को आप अच्छे तरीके से देख लें, इसको कहते हैं जी चाइना रोज, ठीक है। और चाइना रोज ये होता है, इस तरह का ये फूल होता है, और इसको हिबिस्कस फ्लावर भी कहते हैं, हिबिस्कस फ्लावर चाइना रोज। और हिंदी में इसको कहते हैं गुड़हल का फूल। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आपकी सोच है। आपने सिंपली क्या करना होता है, इन फूलों को अपने पास जो है वो उतार के आपने इसको ड्राई करना होता है। ड्राई करने के बाद इसका पाउडर बनाना होता है, यानी आप किसी भी ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लें और आप अपने फेस के ऊपर अगर लगाएंगे आपकी स्किन इंतहाई खूबसूरत हो जाएगी। और अगर आप अपने हेयर ऑयल, कोई भी हेयर ऑयल जो आप बना लगाते हैं सर में, उसके अंदर अगर आप इसको पकाएंगे तो ये क्या करेगा जनाब, आपके बालों को इंतहाई शाइनिंग और खूबसूरत बना देगा। और अगर आप शुरू से लगाएंगे तो आपके बाल हमेशा नेचुरल ब्लैक रहेंगे। तो इसको अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स का पता चलेगा। मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बाहर निकली थी और मेरे हस्बैंड जो है ना गाड़ी लॉक करके चले गए और पता नहीं कहाँ चले गए। अब मुझे बाहर खड़े होकर वेट करना पड़ेगा। बहरहाल चलो वेट करते हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, फीमेल हो और अगर कहीं गाड़ी से बाहर निकल कर या कहीं पर भी वो जा रही है ना, दुनिया जहान के लोग जो है ना वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। एनी प्रॉब्लम, कैन आई हेल्प यू, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, ज़रूर बताइएगा। दरख्त आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कानोकार्पस। इसके बारे में मैंने बताया था, आजकल लोग ना अपनी एजिंग के लिए इसी को बनाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी फलता फूलता है, बहुत जल्दी बड़ाओ के दरख्त बन जाता है, लोग इससे एजेस भी बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाला दरख्त कभी भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और ये सही नहीं होता, बेनिफिशियल नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पंजाब में भी आपको जगह जगह नज़र आ रहा है, लेकिन कराची में तो मैंने देखा बहुत ये लगा हुआ है। अच्छा गाइज, मैं ना सैर करते करते एक ऐसी जगह पे आ गई हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पुराने जमाने में, जो आज से कई सदियां पहले की जगह होती थी ना, जैसे घर बनते थे, मैं वैसी जगह पे आ गई हूँ। और मैंने कितने अरसे के बाद ऐसी जगह देखी है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा कि आज के दौर में इस तरह के घर हो सकते हैं। देखिये पुराने जमाने के मिट्टी के घर हैं, ओ माई गॉड, फुल मिट्टी के घर हैं। और मैं यहाँ पे ना एक अंकल है, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ और आपको मैं मिट्टी की शॉप दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? खैर। अंकल ये मिट्टी के घर है ना? कितने पुराने हैं? थोड़े पुराने नहीं, तकरीबन 10-12 साल हो चले हैं। अच्छा, आज भी लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या काम करते हैं यहाँ के लोग? अल्लाह, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं ये कोई ऐसी जगह पे हम आ गए। बिल्कुल पुराने मिट्टी के घर हैं।
जैसे पुराने जमाने में लोग रहते थे ना। देखिए अंदर कैसी रोड आ गई है। और मैं अपने हस्बैंड से भी आपको आपकी बात कराती हूँ भाई। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको आज पुराने जमाने में आके? गांव है, गांव ऐसे ही होते हैं। इतना पुराना गांव? हाँ, गांव भी जो जरा शहरों के नजदीक है वो थोड़ा अपडेट हो गए हैं। अपने आप को अपडेट कर लिया। ओह माय गॉड, मुझे सीगल्स नजर आ गए हैं। एक मिनट रुको, मैंने वहां पे वीडियो बनानी है। मैं गाइस आपको देखना सीगल्स दिखाती हूँ। वो देखें जी सीगल्स। वो क्लोज करो, क्लोज। कितने प्यारे सीगल्स लग रहे हैं ना, माय गॉड सो क्यूट। देखें हमारे साथ साथ चल रहा है जी खूबसूरत सा बाग। हम और घूमते घूमते किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है सिवाय इन छोटे बच्चों के। क्या नाम है भाग गए हैं। और एक गांव है पीछे, मिट्टी का, फुल गांव मिट्टी का और मिट्टी के घर। लेकिन जो सुकून यकीन माने कि यहाँ पर मिल रहा है ना, वो बड़े बड़े शहरों में भी नहीं है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, आप इतने हैरान होंगे। वो एक पानी वाली टैंकी वाली बोतल होती है ना, उसको काट के तो उन्होंने क्या बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। वो लेकर जा रहे हैं ना पानी वाली टैंकी को, इन्होंने काट के पता नहीं क्या चीज़ बना लिया हुआ है। और यहाँ पर जानवर भी हैं और सादा जिंदगी। कभी किसी ट्राली के पीछे अपनी गाड़ी चला के देखिए और सारी धूल मिट्टी आपके ऊपर गिर रही होती है। गाड़ी में तो आपकी बचत हो जाती है, लेकिन बाइक पे सोचें कि आपको कैसा मेकअप लगता होगा। आप लोग भी क्या कहेंगे कि जुनैरा हमें कहाँ कहाँ लेकर आ गई है। अब हम चलते चलते एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे काली स्याह भैंसे और मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा बशर नहीं है। चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ। ले जी, मैं आपको दिखाती हूँ भैंसे। भैंसे यहाँ पे नहा रही है। ये एक्चुअली जोहड़ भी नहीं है, ये बेसिकली पानी जमा हुआ है और उसमें वो नहा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि ये और गंदी हो रही है साफ होने के बजाय। और बस खुदा की कुदरत देखें, हर तरफ काली काली भैंसे, ग्रीन चारा और सफेद दूध, क्या बात है। ऐसे आप लोगों ने देख लिया बेसिकली ना क्या था। मैं घर पे रह रहे के ना परेशान हो रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रही थी कि आपने मुझे कहीं घुमाया नहीं, तो ये बेसिकली मुझे घुमाने लाए हैं। लेकिन हम कहाँ घूम रहे हैं ये हमें खुद भी नहीं पता। आखिरकार हम किसी मेन रोड पे निकल आए हैं और चलो यहाँ से हम कहीं तो निकलेंगे। और अब शाम के 6:30 हो रहे हैं, अंधेरा होने वाला है, भूख लग चुकी है और हम लोग जा रहे हैं जोहर टाउन के पास। वहां पर दुम्बा कढ़ाई मिलती है, तो हमने डिसाइड किया कि हम दुम्बा कढ़ाई खाते हैं। यहाँ पर आ गए हैं खान शनवारी हुजरा। यहाँ पर दुम्बा बन रहा है जी। बहुत भूख लग रही है, अंदर चलते हैं और आपको खाना भी दिखाऊंगी, मजेदार दुम्बा। मुझे तो नारान का गान याद आ गया। नारान में मैं जब भी जाती हूँ ना, दुम्बा खाए बगैर मैं आगे नहीं जाती, क्योंकि नारान में ही अच्छा दुम्बा मिलता है। नारान से आगे जब आप हुंजा या चिलास जाते हो ना, चिलास में तो गर्मी इतनी होती है कि वहां दिल नहीं करता, और जब आप हुंजा जाते हो तो वहां पे आप दुम्बा नहीं खा सकते, क्योंकि उसकी कुछ और रीजन है। वहां पे आपको सिर्फ दाल चावल ही खाने होते हैं या सब्जी रोटी खानी होती है। अंदर जो है ये इस तरह से है। ये है जी इनका मेन्यू यहाँ पर। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर किया है, क्योंकि वी आर जस्ट टू पर्संस, तो हमने ऑर्डर किया है हाफ कढ़ाई, हाफ के जी दुम्बा और हाफ के जी हम लोगों ने ऑर्डर किया है टिक्का। और इसके साथ हमने कोई रायता सैलड नहीं किया, क्योंकि शाम के टाइम रायता नहीं लेना चाहिए और शाम के टाइम सैलड भी नहीं खाना चाहिए। और साथ में हमने लेमनेड किया है। प्लेट में डाल लिया है, हस्बैंड अपनी प्लेट में डाल रहे हैं। इसको कहते हैं जी खुबज, लेमनेड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो टिक्का है ना बहुत टेस्टी है, इसका मसाला भी बहुत अच्छा है। जो कढ़ाई है वो मुझे थोड़ी नॉर्मल लगी है, और साथ में लेमनेड जो है वो जबरदस्त है।
आपको मजे की बात बताऊं, इस वक्त रात के 9:05 हो गए हैं और हम घूमते ही चले जा रहे हैं, घूम ही रहे हैं हम लोग। और फाइनली मैंने देखे पीछे शॉपिंग भी की हुई है। ये जो कुर्ते पड़े हुए ना, ये तो मैंने निकाले थे एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने अपने सारे कपड़े जो हैं वो बांट दिए हैं। तो मैं मदर की तरफ जा रही थी, तो मैंने सोचा था कि वहां पे गाड़ी की पिछली सीट पे मैंने सारे वो कपड़े निकाल दिए ताकि मैं मेड्स को दे दूं ना। तो बाकी जो हमारे घर की सारी मेड्स हैं उनको भी मैंने कपड़े दे दिए, मोहल्ले में भी मैंने बांट दिए, हर एक को मैंने कपड़े दे दिए। और खुद के लिए जो है ना, मैंने बहुत सारी अभी छोटी छोटी चीजें खरीदी हैं, और घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या परचेज किया है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रेश हूँ, मैं बिल्कुल नहीं थकी, क्योंकि मैं बहुत अरसे के बाद घर से बाहर निकली हूँ। और मैंने अभी हस्बैंड से कहा है कि मुझे आइसक्रीम खिला दें। और जिस वक्त मैं शॉपिंग कर रही थी तो ये पता ही क्या खा रहे थे, वो तोता गोला होता है ना जिसको गोला गंडा कहते हैं, ये वो खा रहे थे। और मैं इनको दूर से देख रही थी और मुझे कह रहे थे मैं गाड़ी के पास खड़ा होता हूँ, तुम शॉपिंग करके आओ। और आज जो है ना, मुझे एक बात का बहुत 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 मजा आया। मैं जिस भी शॉप पे जा रही थी ना, हर शॉप वाले अंकल भाई जो भी होते थे ना, वो मुझे कह रहे थे कि बच्चे आप किस क्लास में पढ़ते हो। मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ हाँ तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी। मैंने कहा हाँ, और मैंने सबको यही कहा जी अंकल मैं पढ़ती हूँ। तो जनाब अभी मैं आइसक्रीम खाऊंगी, आइसक्रीम खाने के बाद मैं घर पे जाऊंगी और फिर मैं व्लॉग का एंड करूंगी। लेकिन एंड पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं। और रोड के ऊपर जी लाइटिंग, वाओ शाइनिंग लाइट है ना, ब्लू रोड बनाई है। और बेसिकली रोड जो है पूरे एशिया में आई थिंक ये पाकिस्तान का पहला कंट्री और सिटी है लाहौर, जहां पर ये ब्लू कलर की रोड बनाई गई है। और इसका मकसद होता है टेम्परेचर कंट्रोल करना। तो जबरदस्त भाई, अमेजिंग। सो वी आर द फर्स्ट वन के हमारे सिटी के अंदर ये बनाई गई है, अमेजिंग। ये अब नया बना दिया ना इन्होंने, यस ये न्यू बनाया। और मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि जब भी आप लोग कहीं जाया करें ना, गाड़ी में या जिस तरह भी आपका बैग है, या आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, हमेशा कोशिश करें कि आपके पास टूटे हुए पैसे जरूर हों। और आपको जो इस तरह के लोग नजर आते हैं ना, जो ज़ईफ़ होते हैं, बूढ़े होते हैं, या गरीब, जिनको आपको देख के पता चल जाता है, दिल गवाही देता है, ऐसे लोगों की मदद जरूर किया करें। अभी मैंने बाबा जी को देखा था और मैं फिर दोबारा से लंबा टर्न लेके वापस आई हूँ। और मैंने बाजार में भी और इधर उधर भी जितने मेरे पास टूटे हुए पैसे थे ना, मैंने सब में बांटे हैं। और यकीन माने कि अल्लाह ताला आपको उससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके देते हैं। ले बाबा जी, शुक्रिया। खड़े हैं जी टायर शॉप पे, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, गाड़ी का टायर हो गया था जी पंक्चर, और गाड़ी के बीच में से निकला है जी ये, कैसी चीज है देखें जी। आइसक्रीम ये कौन सी है, मिक्स है, तो मैं कौन सी वाली लूंगी, ये वाली, थैंक यू। तो फाइनली मेरी विश पूरी हो गई है आइसक्रीम की, सो यमी एंड टेस्टी, अमेजिंग। मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया मेरे हस्बैंड ने ये बताकर कि ये दोनों आइसक्रीम्स के छोटे कप जो हैं 1300 रुपीज के हैं, यानी 1300 रुपए के। बेबी फोर स्कूप्स हैं टोटल, फोर स्कूप्स हैं, लेकिन इतनी महंगी क्यों है? बस वो एक ब्रांड है जलाल सन्स, उन्होंने इस हिसाब से अपनी सेल, आपने नहीं लेनी वहां से तो आप जाके चमन। अब इसे मैं खाऊं या मैं इसे सजा के रखूं? फ्रीजर में सजा के रख लो। फाइनली ये है जी मेरी सारी शॉपिंग, और मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कुछ जो है वो लिया है। सारे ये मैंने कपड़े लिए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जी अपनी चप्पल। ये मैंने चप्पल ली है, और ये मैंने ली भी लोकल मार्केट से है, लेकिन आपको पता है कि मेरा ना कुछ ही अरसे के बाद दिल भर जाता है, तो मैंने सोचा चलो यार थोड़े दिन पहनूंगी फिर दिल भर जाएगा, पहन के भी दिखाती हूँ आपको। तो ये है जी चप्पल, आप लोग देख सकते हैं, तो इस तरह से है। और साथ में मैंने लिया जी हस्बैंड की चप्पल, ये हस्बैंड की चप्पल ली है घर की। और ये मैंने लिए हैं जी दो फ्रॉक्स, एक फ्रॉक ये है जो कि मेरी बड़ी वाली नीस का है, और ये वाला है फ्रॉक जो है ना विद कैप है, ये मेरा छोटी वाली नीस के लिए है। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा था इसलिए मैंने उसके लिए ये फ्रॉक ले लिया, ठीक है। फ्रॉक के साथ ये कैप था तो वो बिल्कुल डॉल सी है, तो मैंने सोचा उसे सूट करेगा। ये ब्लू जो है ना बेसिकली इस ब्लू के साथ मैच हो रहा है, तो इसलिए इसको ना, ओ सॉरी मैंने तो आपको उल्टा दिखा दिया, आई थिंक ये सीधा ऐसे है।
तो इसके ऊपर यहाँ पे जो है ना ये पॉकेट्स बनी हुई हैं, और ये कॉटन की फ्रॉक्स हैं बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल घर में पहनने के लिए। तो ये दोनों मैंने उन दोनों के लिए ले लिए। ये जो शर्ट है ये मैंने लिया है, इसके ऊपर जो है ना ये बारीक से टसल्स लगे हुए हैं। ये ब्लैक कलर का प्रिंट आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा चला हुआ है, लॉन का कपड़ा बहुत अच्छा है। इसके ऊपर गले के ऊपर ये लेस भी लगी हुई है, और साथ में जो है ना इसके ऊपर ये शीशा वर्क का जो लेस होती है वो भी लगी हुई है। उसके अलावा इसके दामन पर भी जो है ना वो इस तरह से लेस लगी हुई है। और इसके साथ है जी पजामा, और ये इन्होंने बनाया हुआ है बेसिकली प्लेजो, प्लेजो की तरह का इन्होंने ट्राउज़र बनाया हुआ है, खुला ट्राउज़र है जी, ठीक है। दूसरा ड्रेस जो है जी वो ये है, और इसका इस तरह से ये वी गला बना हुआ है, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर के मोती लगे हुए हैं, और सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और जो लॉन है ये स्विस लॉन है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना फाइन लॉन, उस तरह की लॉन है। और इसके साथ बिल्कुल सिंपल जो है ये ट्राउज़र है, और ये घर में पहनने के लिए मैंने बेसिकली लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगला दिखाती हूँ। दूसरा ड्रेस जो है ये शॉकिंग पिंक कलर का है, ठीक है, वाइट एंड शॉकिंग पिंक, बीच में ये ब्लैक कलर की बेलें हैं, इसके ऊपर ब्लैक कलर के छोटे छोटे इन्होंने मोती लगाए हुए हैं। सिंपल इसका गला है, और बाजू के ऊपर छोटी सी बारीक सी लेस लगी हुई है, और बिल्कुल सिंपल इसका ट्राउज़र। और ये सब मैंने घर में पहनने के लिए लिए हैं, और बहुत ही सस्ते हैं, यकीन करें कि ना आप जितनी दफ़ा मर्जी पहन के धो के और इसको फिर आप फेंक भी सकते हैं, काम वालियों को भी दे सकते हैं, और आपको दुख भी नहीं होगा कि इतने महंगे कपड़े हम लोग लेते हैं और थोड़े अरसे पहनने के बाद ही जो है ना दिल घबरा जाता है, दिल नहीं करता पहनने। ड्रेस लिया है वो ऑरेंज कलर का है, इसके अंदर वाइट और बहुत लाइट ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं। इसके ऊपर भी सेम टू सेम वही लेस लगी हुई है, वही मोती लगे हुए हैं, और सेम गला बना हुआ है गोल। तो ये मैंने वहाँ पे गौर नहीं किया क्योंकि मुझे जो जो प्रिंट पसंद आ रहा था मैं लेती जा रही थी। इसके साथ जो है वो सिंपल ट्राउज़र है, ठीक है, ट्राउज़र आप लोग देख सकते हैं, तो ट्राउज़र है। और घर में पहनने के लिए जो कपड़ा है ना बिल्कुल स्विस लॉन है, मतलब ऐसे है जैसे मलाई नहीं होती, बिल्कुल गर्मी के अंदर आप इसको पहन सकते हैं। तो दुपट्टे आप कोई भी मैच कर सकते हैं, घर में तो खैर दुपट्टों की ज़रूरत नहीं होती, बाहर अगर आपने कहीं जाना हो तो शायद आपको दुपट्टे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इसके साथ कोई मैच भी कर सकते हैं। तो थ्री ड्रेसेस ये हैं, एक दो तीन जो मैंने आपको दिखाए हैं, और चौथा जो है वो मैंने आपको ये दिखाया। तो ये ज़रा महंगा था, इसका क्या था कि इसकी स्टिचिंग जो है ना वो ज़रा आउट क्लास किस्म की हुई हुई है, बहुत अच्छा और नीट क्लीन है ये, और वो वाले जो हैं वो घर में पहनने के लिए हैं। तो अच्छे से मैंने टोटल यानी कि चार ड्रेसेस मैंने ये ले लिए हैं, दो मैंने चप्पल्स ले लिए हैं और दो मैंने ये फ्रॉक्स ले लिए हैं। ये जनाब आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।